अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। आप देख रहे हैं नॉलेज शेक। नॉलेज शेक के नाज़रीन, आज की वीडियो के अंदर मैं आपको एक ऐसा अमल बताने वाला हूँ कि जिस अमल को अगर आपने यकीन कामिल के साथ और पंज वक्ता नमाज पढ़ने के साथ साथ इस अमल को कर लिया तो इंशाअल्लाह ताला आपको अल्लाह तबारक व ताला इतना अमल अता फरमा देगा कि आपकी जो भी ख्वाहिशात है वो आप पूरी कर सकोगे। नाज़रीन, अगर आप भी इस अमल के बारे में जानना चाहते हैं तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। नाज़रीन, वीडियो आगे बढ़े उससे पहले एक छोटी सी गुजारिश है, इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करके सवाब के मुस्तहक बने। नाज़रीन, अब आइए अमल का जो तरीका है वो मैं आपको बता दूँ। नाज़रीन, ये जो अमल है ये आपको दिन में किसी भी वक्त आप कर सकते हैं। नाज़रीन, अगर किसी नमाज के बाद भी करना चाहे तो आप असर की नमाज़ पढ़ने के बाद से लेकर मगरिब की अजान ना हो उससे पहले पहले तक आप इस अमल को कर सकते हैं। ये वक्त बेहतरीन वक्त है। नाज़रीन, जब अमल शुरू करें तो शुरू में तीन मरतबा आप दुरूद शरीफ पढ़ लें, जो भी आपको याद हो वो आप पढ़ सकते हैं। उसके बाद अल्लाह तबारक व ताला के ये नाम आपको पढ़ने हैं। एक तस्बीह ले लें और हर दाने पर अल्लाह तबारक व ताला के ये चार नाम पढ़ने हैं। और नाम ये है या क़ाइमु, या रज़ाक़ु, या दाइमु, या वहाबु। ये एक दाने पर, फिर दूसरा दाना ले या क़ाइमु, या रज़ाक़ु, या दाइमु, या वहाबु। इस तरीके से पूरी तस्बीह एक मरतबा पढ़ लेनी है और आखिर में तीन मरतबा आप दुरूद शरीफ पढ़ लें। नाज़रीन, ये अमल मुकम्मल कर ले, उसके बाद अल्लाह की बारगाह में रिस्क के हवाले से आप दुआ करें, अल्लाह तबारक व ताला आपको माला माल फरमा देगा। तो बस आज के लिए इतना ही। अस्सलामु अलैकुम, अल्लाह हाफिज़।